हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो आज अपन सॉल्यूशन करेंगे जूलॉजी वाले पोर्शन पेपर का जो माइनर फर्स्ट आपके हुआ है। टोटल 14 माइनर्स है, उनमें से फर्स्ट जो माइनर है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे और वो भी जूलॉजी पोर्शन का। तो अपन शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन सारे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं अपन इसका, क्वेश्चन नंबर 91 को आप देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन कौन से करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन इन्फेंट। लेकिन आपको पता है इन्फेंट के अंदर इतना वेट लीवर का नहीं होता, लीवर का वेट इन्फेंट के अंदर हार्डली 1 kg से भी लेस होता है। ओके, तो यहां पर इन्फेंट का वेट कितना बता रहा है, 1.5 kg, जो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर यहाँ पे एडल्ट होता तो अपन इसको राइट कंसिडर कर लेते, करेक्ट। ओके, सेकेंड स्टडी, ग्लिसन कैप्सूल इज रिलेटेड टू लीवर, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल। ग्लिसन कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, जो हेपेटिक लोब्यूल होता है, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लीवर की। उसके बाहर की जो कवरिंग होती है, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है, उसे अपन बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। डेफिनेटली वो लीवर यानी कि हेपेटिक लोब्यूल के आउटर कवरिंग होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड आता है पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, डेफिनेटली पेनक्रियाज इज बेसिकली मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड, बिकॉज इट कॉजेज सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एज वेल एज हॉर्मोन्स। यानी एंजाइम जो आते हैं वो तो पेनक्रियाटिक जूस में आएंगे, हॉर्मोन जो आएंगे वो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस आएगी, जिसके अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल्स प्रेजेंट होती, वो डिफरेंट इंसुलिन ग्लूकागोन सोमेटोस्टेनिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो हॉर्मोन्स भी आ रहे हैं, एंजाइम भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मिक्स ग्लैंड है, तो बिल्कुल एक्सोक्राइन का भी फंक्शन हो गया और एंडोक्राइन का भी फंक्शन हो गया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रिमेंबर गाइज डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। डेफिनेटली अपन को पता है वाटर का जो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मूव करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही अब्सॉर्ब होता है। ऑलवेज वाटर का अब्सॉर्प्शन अपन को पता है पैसिवली होता है बाय द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ओके, तो दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसिस रिटेन्ड विद इन द ईलियम। नो, ईलियम में कभी भी फीसिस रिटेन नहीं होती, रिटेन का मतलब वहां पर कलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज कलेक्शन जो होता है वो होता है कोलोन में। कहां होता है, कोलोन में। रिमेंबर गाइस, ओल्ड जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये मेंशन कर रखा है कि ये रेक्टम में कलेक्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक दैट इज कलेक्टेड इन द व्हाट, कोलोन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी कैन गेस द प्रॉपर मार्क, व्हाट इट इज, बी सी डी आर करेक्ट एंड ए एंड ई आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, बी सी डी आर सही है तथा ए ई गलत है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन स्लाइवा, यानी स्लाइवा में कौन अब्सेंट है, जो आपको चार अलग अलग दिए, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड बिल्कुल प्रेजेंट होते, और दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द 6.8 पीएच ऑफ व्हाट, स्लाइवा। स्लाइवा पीएच ड्यू टू मेंटेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, नॉट बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट। प्रोटीज इज डेफिनेटली इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, proteases are called protein digestive enzymes, जो होते हैं वो pepsin जो होता है वो stomach में होता है, यानी protein digestion stomach से start होता है, buccal cavity से नहीं होता है, यानी saliva में इसका कोई composition नहीं है। Next, alpha salivary amylase बिल्कुल होता है, 30% starch का जो digestion होता है वो salivary amylase, which is also known as tylene, clear, ये भी present है। लाइसोजाइम जिसको अपन एंटी बैक्टीरियल कह सकते हैं, माउथ फ्रेशनर कह सकते हैं थायोसाइनेट की फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीज प्रेजेंट नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट में आपको एक टीथ दिया पूरा, और टीथ का ये जो है पूरा, ये जो दिया हुआ है हाफ है, जो जैसे ये जो है इसका हाफ आपको दिया हुआ है, इसमें लेबलिंग कर रखी है ए बी सी और डी, इनमें आपको लेबलिंग वाली टीथ की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना। ए आप सब जानते हो मोलर टीथ है, ये 1, 2, 3 मोलर आ गए, फिर ये इससे बगल वाले प्री मोलर है, ये कैनाइन है और ये इंसीजर है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एम फोर कौन सा हो गया देख ली, ए फोर मोलर, ये इंसीजर रॉन्ग, प्री मोलर रॉन्ग, ये रॉन्ग, बहुत सिंपल है, देख लो आप कौन सा आ गया, प्री मोलर कैनाइन एंड इंसीजर, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिमेंबर गाइज, पहले आप इसको मार्क कर लें क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट स्किप हो जाता है ब्रेन से और अपन उसको रॉन्ग कर देते हैं। तो स्टेटमेंट अबाउट द लिपिड, रिमेंबर गाइज, लिपिड एब्जॉर्प्शन, और लिपिड एब्जॉर्प्शन एक आइडियल प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ध्यान रखना, जो भी हम खाते हैं लिपिड या फैट, लिपिड डेफिनेटली किसके कॉन्टेक्ट में आता है? सबसे पहले ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट के कॉन्टेक्ट में आता है। किसके आता है? ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। रिमेंबर गाइड, बाइल सॉल्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन सा? एक तो होता है ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट और एक होता है इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। जो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा वो ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट होगा, करेक्ट। ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को करता है, ठीक है ना। और इमल्सिफिकेशन होने की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल है फैट का वो स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली एक तरह का इमल्सिफिकेशन जो हो रहा है वो आपके कौन सा डाइजेशन हो रहा है? मैकेनिकल डाइजेशन है। कौन सा है? मैकेनिकल। लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये बन गया आपको कौन सी? इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। और अब इस इमल्सिफाइड फैट पर अटैक करेगा कौन? लाइपेज, जो कहां से आ रहा है? पेनक्रियास से आ रहा है। ये लाइपेज इसके ऊपर अटैक करके इसका बना देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या बना देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ में मिक्स हो जाता है बाइल एसिड। क्या मिक्स हो जाता है? बाइल एसिड। और बाइल एसिड मिक्स होने के बाद में जो कंडीशन बनेगी इसको अपन बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल, जो होता है मोनोग्लिसराइड। क्या होता है? मोनोग्लिसराइड। मिसेल फॉर्मेशन कहां हुआ? इंटेस्टाइन के ल्यूमन में हुआ है, जो मोनोग्लिसराइड फॉर्म में है, क्लियर। अभी जो मिसेल है ये एंटर करता है किसके अंदर? इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं एंटेरोसाइट। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट। इसमें एंटर करेगा और यहां आकर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइलोमाइक्रोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइलोमाइक्रोन में। और काइलोमाइक्रोन बेसिकली होता है टीजी। टीजी का मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड। इसमें 3 फैटी एसिड है और 1 ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये आ गया काइलोमाइक्रोन। अभी काइलोमाइक्रोन आकर किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा? आपको बहुत अच्छे से बताया किसमें? लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और किसमें आ जाएगा? वेन के थ्रू ब्लड में आ जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म है। अब देखते हैं अपन इसके ऑप्शन सेलेक्ट करते। मिसेल्स आर फॉर्म्ड इन द कैविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही बात है। ये जो मिसेल बना है ये ल्यूमन में बना है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में बना। ल्यूमन का मतलब कैविटी, कैविटी में बना 100%, ठीक है। नेक्स्ट, ये सही है। काइलोमाइक्रोन आर सिंथेसाइज इंटेस्टाइनल सेल। तो एंटेरोसाइट किसकी सेल है? इंटेस्टाइनल सेल है, तो ये भी करेक्ट है। बाइल सॉल्ट हेल्प इन माइसिल फॉर्मेशन। डेफिनेटली ये देख लो आप, बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड सारे किसमें हेल्प कर रहे हैं? माइसिल फॉर्मेशन में, ठीक है। काइलोमाइक्रोन आर एब्जॉर्ब इन ब्लड। ना, ब्लड में कभी नहीं होते। किसमें एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टियल में। लैक्टियल में क्या होता है पता ही आपको? क्या होता है? बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स होती है ये, तो लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होता है। सो करेक्ट। ये कौन सा हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या पूछ रहा है ये? इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। तो डेफिनेटली आंसर हो गया इसका कौन सा? 4। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप, वॉमिटिंग सेंटर टू कंट्रोल द वॉमिटिंग सेंटर टू कंट्रोल द वॉमिटिंग इज प्रेजेंटिंग। ये कह रहा है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। रिमेंबर गाइस, वॉमिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द स्टोमक कंटेंट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ड्यू टू द रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ओके, सो वॉमिटिंग सेंटर जितने भी हायर रिफ्लेक्स सेंटर है, हायर रिफ्लेक्स सेंटर्स की बात करें तो कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। जितने भी है, जैसे स्नीजिंग हो, वॉमिटिंग हो, है ना, कॉफिंग हो, योनिंग हो, है ना, ये सारे के सारे जितने भी है वो कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। बाकी हाइपोथैलेमस का, मिड ब्रेन का, सेरिबेलम तो बैलेंस करता है, क्लियर। तो इसका इसमें कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट, अब देखिए आप, यहां लिखा है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। आप बहुत अच्छे से जानते हो स्टोमक के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है पैराइटल, जिसका दूसरा सिनोनिम्स है ऑक्सेंटिक, ऑल्सो नोन एज ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल, दिस ऑक्सेंटिक सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ यू नो इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर। डेफिनेटली दिस इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर जो रिलीज हुआ है, नाउ इट विल बाइंड टू द विटामिन B12। विटामिन B12 का मतलब साइनोकोबालामिन से बाइंड होगा। अब इसके बाद में इन दोनों का क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में इसका क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो रिमेंबर गाइस, मैक्सिमम विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसमें होता है? इंटेस्टाइन
के ईलियम पार्ट में होता है, विटामिन B12 की बात कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो इससे ये रिलीज होता है। ठीक है, अब आप देखो, अगर सपोज करो ड्यू अनफॉर्चुनेटली ये नॉन फंक्शनल हो गई सेल, कौन सी हो गई, नॉन फंक्शनल हो गई, क्लियर। अगर ये नॉन फंक्शनल हो रही है तो डेफिनेटली विटामिन B12 जो है वो इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर से बाइंड नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। दैट काइंड ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड परनेसिस एनीमिया। क्या बोलोगे आप, परनेसिस एनीमिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, और एनीमिया डेफिनेटली होगा इसमें। एनीमिया मतलब जो आरबीसी है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कंप्लीट मैच्योर नहीं हो पाएगी, यानी उसमें प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बना आरबीसी में तो ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं हो पाएगी और गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। सो यू नो दैट बैराइटल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अदर सीक्रेशन जो उसका होता है वो आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रियल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है, रियल में आप बता दो हाइड्रोजन कहीं और से आता है, क्लोराइड कहीं और से आता है, दोनों इंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है इंटेस्टाइन स्टोमक की, उसके अंदर ये दोनों बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होने के बाद में HCl बनता है। ऐसी कोई भी सेल नहीं हो डायरेक्ट HCl निकालती है, नो, एच कहीं और से आएगा, Cl कहीं और से आएगा। ठीक है, तो अपन रफली बोल देते हैं HCl सीक्रेशन। तो अब अपन देखते हैं क्या करें, केसल इंटेंसिव इफेक्ट है, क्या हो जाएगा, विटामिन B12 किसके हेल्प करेगा, विटामिन B12 सीक्रेटेड बाय पेराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल ऑफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी होगी, स्टोमक वाली ग्लैंड। तो साइनोकोबालामिन चीफ सेल ना, चीफ सेल तो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन का सीक्रेशन करती है, और विटामिन B12 ऑक्सेंटिक ये भी सही है, पेराइटल विटामिन B12 ये भी सही है, एनी ऑफ टू दीज, यस, तो ये सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा, देखो आप, एनी टू ऑफ दीज, यस, एनी टू में कौन सा आ गया, टू और फोर, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर, दोनों ही सही है, कौन सा, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन फोर्थ में दे रखा एनी टू ऑफ दीज, तो एनी टू ऑफ दीज आ गया, ये वन वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, व्हाट इज द कॉमन एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, तीनों के रेस्पेक्ट में क्या कॉमन है, ठीक है, तो दीज आर प्रोड्यूस इन स्टोमक, ना स्टोमक में प्रोड्यूस होते हैं क्या, रेनिन तो होता है, ट्रिप्सिन नहीं होता है, एमाइलेज नहीं होता है, हाँ गैस्ट्रिक एमाइलेज हो सकता है, गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है, नेक्स्ट, तो ये, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रिप्सिन तो पहला गलत हो गया। दीज एक्ट एट पीएच लोअर देन 7, आपको पता ही है ट्रिप्सिन का आ रहा है इंटेस्टाइनल पेनक्रियाटिक जूस से आ रहा है, और यहाँ की पीएच कितनी होती है 7.8, और रेनिन तो कितना काम करता है आपको पता ही है, रेनिन जो है वो स्टोमक में प्रेजेंट है, इन्फेंट के अंदर होता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है। इन्फेंट की पीएच की अगर आप बात करें स्टोमक की 4-5 होती है, और एडल्ट की पीएच की बात करें तो 1-3 पीएच होती है, और आइडियल जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए होती है आइडियल पीएच 1.8। तो डेफिनेटली ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे कोई एसिडिक में काम कर रहा है, कोई बेसिक में काम कर रहा है, नहीं करे, ऑल आर दीज ऑल आर प्रोटीन्स, सारे के सारे प्रोटीन नहीं है, देख लो आप, सारे के सारे प्रोटीन नहीं है, दीज ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, डेफिनेटली प्रोटीन का डाइजेशन करने में कैपेबल है, चाहे वो रेनिन हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे वो एमाइलेज हो, दे आर कैपेबल, एमाइलेज नो डाउट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट इसके जो पार्ट्स होते हैं फैट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये डाइजेस्ट करने में कैपेबल है, कौन सा, एमाइलेज। So these all are proteolytic enzyme. So correct answer is according to these option is 4. Next, duodenum, which duodenum, the first part of small intestine, secrete two hormones. कौन कौन से, kinase, कोई लेना देना, estrogen का कोई लेना देना, ये तो ovary से आता है, secretin होता है, cholecystokinin जिसको short में अपन लिखते हैं CCK, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही duodenum से secrete होते हैं small intestine के first part से, तो ये correct है। Prolactin मिल्क वाला है, पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड का है, कोई लेना देना नहीं है, एस्ट्राडियोल एस्ट्रोजन का सिनोनिम्स आ गया, प्रोजेस्टेरोन है नहीं, यहाँ पर बहुत सिंपल से ऑप्शन सेट किए हमें, तो यू कैन टेक द करेक्ट आंसर लाइक सेकंड। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऑप्शन बिल्कुल बहुत दूर तक, जिनका कोई कोरिलेट कर ही नहीं सकते अपन, तो आप इजिली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ बाइल डक्ट इज गेट चोक्ड, आपको बाइल डक्ट ने चोक किया है, आपको ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, लीवर है, लीवर के दो लोब, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, यहां से जो डक्ट निकल के आती है उसको अपन बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट, क्लियर, और हेपेटिक डक्ट नीचे आती है, इससे कंबाइंड हो जाती है कौन सी, गॉल ब्लैडर, GB का मतलब यहाँ गॉल ब्लैडर है, और यहां पर अटैच होगी कौन सी डक्ट आपके, ये कौन सी, सिस्टिक डक्ट, करेक्ट। अब यहां से जो डक्ट निकल कर आ रही है उसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट,
शॉर्ट में लिख देता हूं सी बी डी, ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब ये कह रहा है इस डक्ट को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ये लो ब्लॉक कर दिया, तो लीवर से गॉल ब्लैडर से जो भी आ रहा है वो आपके किसके अंदर नहीं आएगा, इंटेस्टाइन में नहीं आएगा। और आपको पता ही है गॉल ब्लैडर से जो आ रहा है वो आता है बाइल, और बाइल का मेन फंक्शन होता है क्या करना, बाइल, बाइल का मेन फंक्शन क्या होता है, फैट डाइजेशन, क्या करना है, फैट को डाइजेशन करना है, तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना आप ऑप्शन देखो, अब आप कैसे फीसिस बिकम ड्राई, फीसिस यानी कि स्टूल मैटर, उसमें कोई ड्राई वगैरह कोई नहीं आएगा, वाटर की डेफिशिएंसी, सॉरी, ये जो ड्राई आएगा, एसिडिक आयन विल न्यूट्रलाइज, एसिडिक आयन जो है विल बी न्यूट्रलाइज, एसिडिक आयन तो स्टोमक से आ रहा है जिसका इसके डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, देयर विल बी लिटल डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, देयर विल बी लिटल डाइजेशन, बिल्कुल इंटेस्टाइन में कहां से डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, डक्ट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, तो बाइल आएगा ही नहीं और इमल्सिफिकेशन होगा ही नहीं, और इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो पेनक्रियाटिक लाइपेज और जो सक्कस सेंटरिका से रिलीज होता है लाइपेसिस वो भी इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। फिर देखो आप, लिटल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट विल अकर, रिमेंबर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटल फैट एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोमक है उसके अंदर स्लाइट बिट अमाउंट ऑफ फैट इज डाइजेस्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ एससीएल, ओके, तो वहां पर एंड गैस्ट्रिक लाइपेस, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक सेंटेंस दिखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेस इज आल्सो प्रेजेंट इन एडल्ट, तो एडल्ट में भी गैस्ट्रिक लाइपेस है, इसका मतलब थोड़ा बहुत स्लाइट बिट ऑफ जो डाइजेशन है वो स्टोमक में हो रहा है, और जो स्टोमक में डाइजेशन हो रहा है वहां पर ही इमल्सिफाइड हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ एससीएल वगैरह, है ना, तो उसके बाद में वो इंटेस्टाइन में आएगा तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा जो स्टोमक में डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो इंटेस्टाइन में आया उसका ना तो डाइजेशन होगा और ना ही एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि पहले डाइजेशन होगा फिर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला फोर्थ वाला आंसर इसमें आपके करेक्ट होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉन्ग रिएक्शन में आपको पूछ रहा है, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीज, ट्रिप्सिन सब कुछ दे रखा है, इनमें से रॉन्ग कौन सी है, तो बिल्कुल सही रिएक्शन है, न्यूक्लियोसाइड है यहां पर निकला न्यूक्लियोटाइड, टाइड नहीं होता, यहां पर क्या होना था, न्यूक्लियोसाइडेज होना चाहिए था, तब सही होता, ये गलत हो गया आपके। नेक्स्ट वाला देखो आप, माल्टोस, माल्टेस, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, करेक्ट है ये भी, सुक्रोज, सुक्रेज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपके, इनकरेक्ट हो गया कौन सा, सेकंड, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, बिकॉज सेकंड रिएक्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो, इन ह्यूमन मैमल्स टीथ आर, ह्यूमन मैमल के अंदर टीथ का जो है वो डिफाइन किया है और उसको आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसका वन वर्ड क्या होगा, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन दे रहा है एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट, यानी कि जो टीथ की रूट है वो बोन के अंदर, हमारी जो बोन्स के अंदर, मैक्सिला एंड मैंडिबल के अंदर फिट हो रही है, तो डेफिनेटली ऐसे टीथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा, थीकोडोंट, यानी टीथ का रूट और उसके गम्स के अंदर फिट होता है। अपीयर्स ट्वाइस टाइम, यानी कि लाइफ में ट्वाइस टाइप अपीयर हो रहे हैं, दो टाइप के टीथ होते हैं, वन से टाइप जिसको अपन कंसीडर करते हैं जो लाइफ में एक बार अपीयर होते हैं, जैसे सारे ऑल प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर बोले तो विजडम टीथ, ये सारे लाइफ में वन टाइम अपीयर होते हैं, बाकी सारे ट्वाइस टाइम, वन टाइम अपीयर होने वाले 12 हैं, ट्वाइस टाइम अपीयर होने वाले कितने हैं, 20, जिसको अपन मिल्क टीथ बोलते हैं, करेक्ट, तो दो बार आ रहे हैं उनको, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन कौन सा, डाइफाइडोंट, क्या यूज करते हैं, डाइफाइडोंट। तो अब आप देख लीजिए, हेटेरोडोंट किसमें आ रहा है, ये रहा हेटेरोडोंट, ये सही हो गया, फिर दूसरा कौन सा, थीकोडोंट, ये भी सही है, फिर कौन सा, डाइफाइडोंट, तो आंसर हो गया फर्स्ट, ये थीकोडोंट कह रहा है नो, डाइफाइडोंट नो, हेटेरोडोंट, लेकिन यहाँ पे डाइफाइडोंट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्लियर, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच इज रॉन्ग अबाउट मेरास्मस, मेरास्मस आप जानते हो, मेरास्मस बेसिकली अपन पढ़ते हैं तो अपन को पता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं कुपोषण, ठीक है ना, इसमें दो डिजीज डिवाइड है, एक तो है क्वासी और कोर, और दूसरी वाली कौन सी है, मेरास्मस, एग्जैक्टली, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है मेनली, ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होता है, सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, पी का मतलब प्रोटीन है यहाँ पर, तो ये पूछ रहा है कि इस मेरास्मस और इन दोनों में डिफरेंस कौन सा कॉज करता है, कौन सा इसका कैरेक्टर नहीं है, स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, बिल्कुल सही बात है, मेरास्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों डेफिशिएंट होते तो स्किन उनकी ड्राई और रिंकल्ड हो जाती है, बॉडी ग्रोथ रेट एंड वेट आर रिड्यूस, नो डाउट प्रोटीन भी डेफिशिएंट है, कार्बोहाइड्रेट भी डेफिशिएंट है, तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, होगी तो बहुत कम होगी, तो ये भी सही बात कह रहा है, इसका कैरेक्टर है ये, ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पेयर्ड, ब्रेन ग्रोथ चाहे मेरास्मस हो
चाहे क्वासियर कोरो, दोनों में ही ब्रेन डेवलपमेंट कम होता है, यानी कि आईक्यू दोनों का कम होगा नॉर्मल से। ठीक है, इट इज फाउंड इन द एज ऑफ अबव, नो अबव नहीं, हमेशा ध्यान रखना जो मेरास्मस है वो बिलो वन ईयर होगा, बिलो वन ईयर। और बिलो वन ईयर को अपन बेसिकली अपन बोलते हैं, वन ईयर तक को अपन बोलते हैं इन्फेंट, यानी इन्फेंट में होगा तो ये गलत है, बिलो नहीं होना चाहिए, अबव होना चाहिए ना। यहाँ पर बिलो आएगा, ये अबव है तो ये रॉन्ग हो गया, ये होता है अबव, अबव वन ईयर। ओके, सो दिस कैरेक्टर इज नॉट मैचिंग विथ मेरास्मस, तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट, अब देखो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको इस तरफ सब्सटेंसेस दिए हुए और इधर आपको मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन को शो करना है कौन किससे होता है। देखो सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सबसे पहले इजी लगता है आपको पता है, फ्रुक्टोज का आप सबसे पहले मिलाओ क्योंकि फ्रुक्टोज आइडियल है किसके लिए, फैसिलिटेटेड के लिए। फिर आता है आपके कौन सा, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो आप देखिए सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इसके थ्रू होता है, वर्ड को ध्यान दो, सम अमाउंट, लार्ज अमाउंट अगर होता तो वो कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है अलोंग विद सोडियम आयन। ठीक है, और सोडियम जो है वो एक्टिव को इंडिकेट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो बहुत इजी हो गया, आप निकाल सकते हो ए का कौन सा हो गया, ए का देखो आप, ए का आ गया सेकंड सम अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज, बी, बी का थर्ड ये गलत, बी का थर्ड ये गलत, ये वाला बी का थर्ड सही है, ये लो। एक ऑप्शन में आंसर निकाल सकते हो आप बहुत इजीली, यानी बी क्या है आपके, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का किसके थ्रू होगा, फैसिलिटेटेड, यानी कि बी का तीन आना, थर्ड आना चाहिए ना, तो थर्ड बी का किस में, देखो आप किसी में नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिए सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको सेलेक्ट करना है इसमें से जो बिल्कुल रेस्पेक्टिव है डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला दिया सीरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट्री कैनाल विच इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम, मेसोथीलियम का मतलब यहाँ पर है वो विसरल पेरिटोनियम वगैरह, उससे मतलब है आपका, एंड सम कनेक्टिव टिश्यू, दोनों से मिलकर बना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अपर सरफेस ऑफ द टंग, टंग की अपर सरफेस पर कंटेन पेपिला होते हैं विच सम टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, ये ध्यान रखना सम टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, यहाँ लिखता इन ऑल टेस्ट बड, इन टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन ऑल पेपिला तो ये रॉन्ग हो जाता बिकॉज फिलीफॉर्म पेपिला के अंदर टेस्ट बड एब्सोल्युटली एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये सही है सेंटेंस, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है इसको। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कंप्लीट इन जेजुनम, नो मोस्ट ऑफ द का वर्ड आ गया है, मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन होता है वो किसमें कंप्लीट होता है, ड्यूओडेनम में, क्योंकि वहां सारे जूसेस आकर मिक्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होता, ड्यूओडेनम होता तो सही होता, यहाँ पर जेजुनम दिया इसलिए रॉन्ग है ये रॉन्ग हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर एल्कोहल एंड मेडिसिन ऑल्सो अकर्स इन स्टोमक, बिल्कुल सही बात है, इन सबका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इसके अंदर जो इनकरेक्ट है वो है थर्ड। नेक्स्ट, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज सिचुएटेड एट द, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये ड्यूओडेनम आ गई और यहां आ गई कौन सी, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये आ गई एम्पुला ऑफ वेटर, और यहां पर प्रेजेंट होती है कौन, ये पार्ट तो कौन सा आ गया, ड्यूओडेनम आ गया, और ये आ गए एम्पुला ऑफ वेटर, और यहां पर आ गई कौन, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, करेक्ट, और यहां पर आ गई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यहां पर आ गई कौन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये आ गई, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, करेक्ट। अब देखो ये कह रहा कि कौन सिचुएटेड है, कहां पर सिचुएटेड है, ओपनिंग ऑफ हेपेटिक डक्ट, नो, ओपनिंग ऑफ हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यस, कॉमन बाइल डक्ट, यहां से कोई लेना देना ही नहीं इसका, रॉन्ग, और पाइलोरिक पार्ट ऑफ ओपनिंग, रॉन्ग, करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कैसे होगा, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पहले मिसेल बनता है फिर काइलोमाइक्रोन बनता है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से ग्लिसरॉल, बिल्कुल ग्लिसरॉल एंड, यहां पर एंड आएगा, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये कहना चाह रहा है, फैटी एसिड उसके बाद में क्या बन जाता है, मिसेल बनता है, बिल्कुल सही बात है, ये मिसेल बन गया जो कैसा है, मोनो ग्लिसराइड होता है, वन फैटी एसिड प्लस वन ग्लिसरॉल ही तो ऐड हुआ है तो मोनो ग्लिसराइड ही बनेगा ही। उसके बाद में इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आ जाएगा, जहां पर ही आकर बन जाएगा क्या, काइलोमाइक्रोन, क्या बन जाएगा, काइलोमाइक्रोन, जो क्या है, ट्राइग्लिसराइड, टीजी का मतलब ट्राइग्लिसराइड, और ये आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, लैक्टियल में, लैक्टियल बोले तो लिम्फेटिक वेसल में, तो करेक्ट आंसर देखो आप,
ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, मिसेल फिर काइलोमाइक्रोन, सही है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड काइलोमाइक्रोन देन मिसेल, नो पहले मिसेल बनेगा फिर काइलोमाइक्रोन, मिसेल डायरेक्ट बन ही नहीं सकता, काइलोमाइक्रोन डायरेक्ट बन ही सकता, बहुत सिंपल है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। अब आपको देखो एक डायग्राम दिया है स्टोमक का, उसमें आपको पता करना है एबीसी क्या है, तो ये कौन सा पार्ट है ऊपर ही ऊपर कौन सा होता है, फंडस होता है ये ऊपर वाला, और ये वाला जो इसोफेगस की ओपनिंग हो रही है दैट इज नोन एज कार्डियक, और जो लास्ट वाला पार्ट आ रहा है आप देखो जो डुओडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंसिडर हो रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, पाइलोरिक। तो अब आप निकाल लीजिए कौन सा क्या होगा, ए तो हो गया कौन सा फंडस, ये आ गया फंडस, ये उड़ गया ए बी और ये पाइलोरिक, दो ऑप्शन बचे, बी कौन सा कार्डियक, ये कह रहा है बी पाइलोरिक, तो ये भी गलत हो गया, ये कह रहा है कार्डियक बी, कार्डिया फंडस एंड पाइलोरिक, सी पाइलोरिक हो गया, बी कौन सा हो गया आपके फंडिस एंड ए कार्डिया, तो ए तो कौन सा है फंडिक पार्ट है ना ऊपर है, ये तो फंडिक है, ए फंडिक है, बी कार्डियक है, ए फंडस है, बी कार्डियक है और सी पाइलोरिक है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ओके गाइस नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड क्लासिकल क्वेश्चन है, ब्रूनर ग्लैंड ओनली द सिंगल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लेवल ऑफ ड्यूओडिनम नोन एज ब्रूनर ग्लैंड विच सीक्रेट म्यूकस वाटर एंड बाइकार्बोनेट एंड विच ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द एल्कलाइन पीएच ऑफ ड्यूओडिनम और इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो एक सिंगल ग्लैंड है जो आपके सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है म्यूकोसल जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर इज सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडिनम, नो यस यस यस, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडिनम ब्रूनर की लोकेशन पूछ रहा है, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक नो, सब इसोफेगस नो, म्यूकोसा ऑफ विलियम नो, तो करेक्ट आंसर इज सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडिनम। ओके गाइस नेक्स्ट, अब आपको एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है ये पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, जो एनसीईआरटी बुक का है वो एग्जैक्ट वैसे डायग्राम है ये, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, तो ए देख लो आप बार की ओर है जो लॉन्ग प्रोसेस दिख रहा है, तो ए तो हो गया विलाई, करेक्ट, बी जो दिख रहा है अंदर की ओर रेड वाला एरिया, इससे अपन बोलते हैं लैक्टियल, जो फैट अब्सॉर्प्शन करता है, क्या करता है फैट, बिल्कुल एनसीईआरटी की लेबलिंग है, आप उसमें देख लीजिएगा अगर इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो, और सी की अगर अपन बात करें तो ये कैपिलरीज आ गई, क्या आ गया कैपिलरीज, आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए एनसीईआरटी एकदम टिप्स पर, और डी की बात करें तो ये देख लो डिप्रेस पार्ट है, तो ये कौन सा आ गया क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन, क्लियर, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड, विच इज नॉट मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड, ध्यान रखना मेजर पार्ट की बात कर रहा है, तो आपको पता है ये फूड के बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज मैक्रो कंपोनेंट और मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट, और एक होता है माइक्रो कंपोनेंट यानी मेजर फूड कॉन्टेंट एंड माइनर फूड कॉन्टेंट, तो दोनों अलग अलग होते हैं, मेजर फूड कॉन्टेंट में अपन बेसिकली उनको इंक्लूड करते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म होता है, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, और माइनर में हम कंसिडर करते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते पर उनकी नीड बॉडी को ट्रेस अमाउंट में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, एग्जाम्पल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, तो अब देखते हैं अपन कौन सा इनमें से मेजर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट मेजर है, प्रोटीन मेजर है, फैट मेजर है, मिनरल्स माइनर है, क्या है ये माइनर है, तो करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट, अब आपको देखो खूब सारे स्टेटमेंट दिखाई दे रहे होंगे, इन स्टेटमेंट को आपको रीड करना है और इनमें से क्या है वो आपको पता करना, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से जितने इतने सारे स्टेटमेंट में, फर्स्ट पढ़ता हूं द चाइम, चाइम इज फूड, जो स्टोमक से फूड बेसिकली अपन इंटेक करते हैं तो वो बोलस बनता है बक्कल कैविटी में, और स्टोमक में आते आते वो क्या बन जाता है आपके काइम कन्वर्ट हो जाता है, और जो ड्यूओडिनम में आएगा वो काइम आएगा, और ड्यूओडिनम के अंदर काइम आने के बाद में चाइल्ड बनता है, और उसके बाद में जो रिमेनिंग होता है अनडाइजेस्टेड फूड अनअब्सॉर्ब फूड वो फिकल मैटर में रिलीज हो जाता है, तो देखो आप ये चाइम आया एंटर इनटो द ड्यूओडिनम में आया, ठीक है स्टोमक से आ रहा है, पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एक्टेड बाय पेनक्रियाटिक जूस बाइल एंड फाइनली बाय द एंजाइम्स ऑफ द सक्कस एंटेरिकस, बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है पहले ड्यूओडिनम आया फिर पेनक्रियाटिक जूस में इसमें खूब सारे एंजाइम जूसेस प्रेजेंट है वो एक्ट करेंगे, उसके बाद में फाइनली सक्कस एंटेरिकस में फाइनल डाइजेशन होगा, ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट,
दूसरा देखिए द डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें हैं, देखो माउथ भी है, बक्कल कैविटी भी है, फेरिंग्स भी है, रिमेम्बर बाय ग्लोटिस नहीं है, क्योंकि ग्लोटिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी बोले तो ट्रेकिया की ओपनिंग को अपन बोलते हैं क्या, ट्रेकिया ओपनिंग को अपन बोलते हैं क्या, ग्लोटिस। सो गाइज दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसोफेगस तो है, स्टोमक है, लेकिन ग्लोटिस नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इन स्टोमक प्रोटीन आर मेनली डाइजेस्टेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नो कॉम्प्लेक्स, यहां पर क्या आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए, सिंपल शुगर एब्जॉर्ब हो सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कभी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो ये भी गलत। नेक्स्ट द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द सीकम, बिल्कुल सही बात है, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल, बिल्कुल सही बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो बीच में एक वॉल्व होता है जिसको अपन बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, जो क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर बन गया है, जो बन रहा है, कंप्लीट फाइनल नहीं बना है लेकिन ऑलमोस्ट फीकल मैटर बन गया है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेशन उसका हो चुका है, ठीक है ना, वो फीकल मैटर वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आए तो बीच में एक वॉल्व होता है, दैट वॉल्व इज नोन एज इलियोसिकल, यानी इलियम और सीकम के बीच में इलियोसिकल वॉल्व। तो इलियोसिकल वॉल्व क्या करता है, जो सीकम के अंदर चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में उसको वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से प्रिवेंट करेगा, यानी बैक फ्लो नहीं होता है। आगे देखो, इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट द बैक यस फ्लो ऑफ द फीकल मैटर इनटू द स्टोमक, नो स्टोमक में नहीं, किसमें आने से रोक, किसके बीच में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इलियम और किसके बीच में, सीकम के बीच में, तो इधर सीकम से वापस फीकल मैटर को किधर आने से रोकेगा, इलियम, ये क्या कह रहा है, स्टोमक, यहां पर क्या होना चाहिए था, करेक्ट होता तो इलियम होना चाहिए था, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो कौन कौन से इनकरेक्ट है ये कह रहा है, तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये तीनों गलत है, एक सही है बस। नेक्स्ट, म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप, कौन कौन सी, थ्री मेजर टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड है अपने स्टोमक में, कौन कौन सी, एक तो पेप्टिक सेल है, एक ऑक्सेंटिक सेल है और एक म्यूकस नेक सेल है ना, तीन क्लासिकल ग्लैंड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उनके रेस्पेक्ट में क्या गलत है, म्यूकस नेक सेल म्यूकोसा सीक्रेट करती है, पेप्टिक और चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑल्सो प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सब कुछ सीक्रेशन कौन करती है आपको बताइए, ये पेप्टिक सेल, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल आपको बताया दिया था मैंने, एससीएल एंड इंटरसिकेशल फैक्टर को रिलीज करती है, नन ऑफ एबव ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इनकरेक्ट हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग सलाइवरी ग्लैंड के रेस्पेक्ट में क्या सही है, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, क्या सही है, देखो पूछ रहा है ये, क्या दीज आर प्रेजेंट इनसाइड, बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि ये तो इनसाइड तो हो ही नहीं सकती, बक्कल कैविटी के बाहर होती है सलाइवरी ग्लैंड, थ्री पेयर्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स आर थ्री पेयर्स इन नंबर्स, बिल्कुल सही बात है, थ्री पेयर्स होती है, कौन कौन सी, पैरोटिड सब लिंगुअल एंड सम एक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, थ्री इधर है थ्री इधर है, तो टोटल कितनी हो जाती है सिक्स, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। नेक्स्ट कह रहा है स्लाइवा का मतलब हो गया स्लाइवा कंपोजिशन की बात कर रहा है ये, स्लाइवा में क्या क्या होता है ये पूछ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, कौन कौन से, देखो आप कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, नो डाउट इसके अंदर प्रेजेंट है सारे के सारे, ठीक है ना, और फिर बात कर रहा है एंजाइम्स भी होते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज भी होता है, लाइसोजाइम भी होता है, लेकिन इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा जो कैल्शियम है मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत कम होती है और बोथ वन एंड टू, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें स्टेटमेंट सेकंड वाला भी सही है और स्टेटमेंट थर्ड वाला भी सही है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कह सकते आप बिल्कुल मैग्नीशियम या क्लोराइड नहीं है, ठीक है, तो इसमें दोनों ध्यान रखिए, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट अगला देखिए, एक डायग्राम दे रखा है आपको, ये है किसका, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपके डायग्राम में बता दू, ये ट्रांसवर सेक्शन है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, एनसीईआरटी में दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल का, इसमें आपको पता ही है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सबको पता है आप लोगों को, कौन सी होती है, सीरोसा, कौन सी होती है, सीरोसा, आउटर मोस्ट इज सीरोसा, सेकंड कौन सी होती है, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस का मेन फंक्शन क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस आप जानते हो, पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस, हिंदी में बोलते हैं कर्मकुंचन, ठीक है ना, और सी आ जाएगा कौन सा, सब म्यूकोसा, और डी आ जाएगा कौन सा, म्यूकोसा,
करेक्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी लेयर्स है। अब इनमें से इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ए क्या है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तो हो नहीं सकती, रॉन्ग। सीरोसा ये सही है, मीजोथीलियम ये भी सही है, ये आ रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गलत है, यानी ऑप्शन सेकंड और थर्ड में से आप देखो। और बी कह रहा है ब्रूनर ग्लैंड, बी ब्रूनर ग्लैंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रूनर ग्लैंड की लोकेशन हमेशा कहाँ होती है, सब म्यूकोसा में, ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, अब आप देखो मैच द फॉलोइंग कह रहा है, टंग की बात कर रहा है, बहुत सिंपल है, टंग जो होती है उसके साथ आपको पता है ओरल कैविटी फ्रेनुलम से अटैच होती है अपने बक्कल कैविटी के अंदर। टंग जो है, टंग के नीचे जो डोर्सल सरफेस ऊपर होती है टंग की और वेंट्रल सरफेस नीचे होती है, यहाँ पर एक कनेक्टिंग लिंक होती है एक तरह की, जो किसको किससे कनेक्ट करती है, टंग को फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से कनेक्ट करती है, दैट इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंक भी बोलते हैं इसको प्रॉपरली। तो ये हो गया आपके, इसका हो गया डी। फेरिंग्स आपको पता ही है, फेरिंग्स जो अपना थ्रॉट है इसके अंदर फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, तो इसका हो गया सी। थर्ड है सीकम, सीकम आप जानते हो जो बेसिकली उसके अंदर सेलुलो डाइजेस्टिव या डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोजोन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट विच आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन, सो यू नो दैट द कॉमन होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर होगा करेक्ट बी। फिर अपेंडिक्स आपको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन है अपना, ये हो गया, तो डी सी बी ए किसमें आ रहा है, डी सी ए गलत हो गया, डी सी गलत हो गया, डी सी बी ए पहले ही सही हो गया, डी ए गलत, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, ओके गाइस, टेक द क्वेश्चन नंबर 116, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लो आप पहले, मैच ऑफ द साइट ऑफ द मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन गिवन सबस्ट्रेट द एंजाइम एक्टिंग अपॉन एंड द प्रोडक्ट, आपको तीनों को पता लगाना है कि पहले तो कौन सी साइट में हो रहा है, स्टोमक में हो रहा है, ड्यूओडेनम में हो रहा है, वो साइट दे रखी है, फिर वो प्रोडक्ट दे रखा है, फिर एंजाइम दे रखा है, ये सारी चीजें आपको करेक्ट मैच करानी है। जैसे स्टोमक है, स्टोमक में फैट का डाइजेशन ये कर रहा है, लाइपेज करता है, नहीं करेगा। ड्यूओडेनम में ट्राइग्लिसराइड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ड्यूओडेनम में ट्राइग्लिसराइड की स्पेलिंग ही गलत है ना, तो ये भी नहीं होगा, इधर से गलत हो गया। आप देखो माउथ के अंदर क्या होता है, 30% स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है, ये मैंने बता रखा है, इसका दूसरा नाम अपने बता भी दे, याद करो टाइलीन, किसमें माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो ये सही। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पेप्सिन नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो किसके अंदर होता है, स्टोमक के अंदर होता है, ये रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ओके गाइस, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which of the following equation is wrong? Wrong पूछ रहा है, इनमें से कौन सी रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही है। डाइपेप्टाइड्स प्रोटीन का जो पेनक्रेटिक जूस में बना है उसमें अटैक करा, डाइपेप्टाइड्स एमिनो एसिड में सही है, ये तो कन्वर्ट करेगा ही। माल्टोस माल्टेस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये भी सही है। लैक्टोस लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस मेनोज, नो देर इज नो एनी काइंड ऑफ मेनोज सुगर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लैक्टेट कौन सा हो जाएगा, गैलेक्टोज सुगर आनी चाहिए थी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये होता तो अपन सही कर लेते, कौन सा गैलेक्टोज बनता है, ये कह रहा है मेनोज सुगर, नो सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सो करेक्ट, ये कौन सी रिएक्शन रॉन्ग है, तो आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, आपको बहुत अच्छे से पता है एनर्जी को बेसिकली अपन दो तरह से मेजर करते हैं, कौन कौन सी, एक तो एनर्जी होती है कौन सी, फिजियोलॉजिकल यानी फिजियोलॉजिकल वैल्यू, और सेकंड जो होती है वो होती है कौन सी, आपको बताइए, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है ना, जिसको अपन शॉर्ट बोलते हैं जीसीवी, ये आर्टिफिशियली अपन कंसीडर करते हैं किसके अंदर, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, क्लियर, इसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, ध्यान रखना। हाई का रीजन क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो हीट रिलीज होती है वो एब्जॉर्ब हो तो जाती है, लेकिन टेम्परेचर वहां का हाई होता है, मेटाबॉलिज्म किसी तरह का होता नहीं, इसलिए एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, इस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा कम मिलेगी आपको। तो ये पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की हमको पता है तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो 4 होती है, फैट की 9 होती है और प्रोटीन की 4 होती है, तो आप इसे डाटा फिट कर लो इसमें, इसकी कार्बोहाइड्रेट पहले दे रखा ना, तो पहले कार्बोहाइड्रेट 4 बिल्कुल सही है ये, फिर कह रहा है फैट 9 बिल्कुल सही है, और फिर कह रहा है ये किसकी बात कर रहा है, प्रोटीन, ये भी सही है, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो गया। नेक्स्ट 4.1, ये कौन सी आगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, ये सारी फिजियोलॉजिकल है, ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजिकल का अगर क्वेश्चन होता, बॉम्ब कैलोरीमीटर जिसको अपन कहते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक का क्वेश्चन होता, तो ये सही होता, दीज ऑल आर
ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इसमें। अगर यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नहीं होकर अगर ये होता है कि जीसी भी वैल्यू बताओ तो आंसर सेकंड चला जाता है। 4 किलो कैलोरी 9, ये भी सही है, 4 4 9 ये गलत है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन के, कौन से, फर्स्ट वाला भी सही है और थर्ड वाला भी सही है, दोनों में सेम वैल्यू है, देखो आप। ओके नेक्स्ट, अब आप देखिए मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर कॉलम मैचिंग बना रही है। फर्स्ट में बिलीरुबिन बिलीबर्डिन आपको पता है लीवर के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते, बनते तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, हीमोग्लोबिन का मतलब हीम के ब्रेकडाउन से बनते हैं बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। ओके तो ये कहां पर है, ये प्रेजेंट कहां होते हैं अपने को पता है, लीवर में आ जाते हैं। फिर तो ये बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन क्या है, बाइल पिगमेंट है। क्या है, तो इसका फर्स्ट का हो गया सेकंड बाइल पिगमेंट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च कौन करता है, एमाइलेज, इसका हो गया 4। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है, डाइजेशन ऑफ फैट लाइपेज एंजाइम करता है, डेफिनेटली लाइपेज एंजाइम फैट का तो वही करेगा। सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, सबलिंगुअल टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो फर्स्ट, तो कौन सा हो गया 2 4 3 1 2 4 3 1, तो फर्स्ट आंसर हो गया। ये 1 4 गलत, ये 2 3 गलत, ये 1 2 गलत। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सूडो डाइजेस्टिव सूप, सूडो का मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सूडो का मतलब आते ही आप समझो ऐसा जूस जिसमें एंजाइम अब्सेंट हो, क्लियर। तो आप जानते हो बाइल जो है जो लीवर से आ रहा है इसमें एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, और अगर एंजाइम्स अब्सेंट है तो आप समझ सकते हो कि वो एक्चुअली 100% जूस नहीं हो सकता, यानी उसमें लैकिंग ऑफ एंजाइम है। ओके, बाकी सब कुछ है उसके अंदर। तो गैस्ट्रिक जूस में आपको पता है एंजाइम होते हैं, बाइल में एंजाइम नहीं है, पेनक्रेटिक जूस में मल्टीपल एंजाइम होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, सक्कर सेंटर के उसमें भी मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, तो दे ऑल आर हैविंग द एंजाइम्स, बट दिस बाइल जूस इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइम। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज नोन एज सूडो डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखिए आप, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच टू द टिश्यूज, व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। बहुत सिंपल है, सबसे पहले अपन खाना खाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, फूड का अपन क्या करते हैं, इंजेशन यानी इनसाइड, फिर कहाँ जाता है इसका क्या होता है, डाइजेशन, फिर इसका क्या होता है, बहुत सिंपल लिख रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो प्रोसेस होता है वो आप सभी जानते हो कौन सा होता है, एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, एनर्जी, इसको अपन बोलते हैं एटीपी की फॉर्म में, इस एनर्जी का बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट, एक फिर रिएक्शन आ गई, देखिए आप, प्रोटीन पेप्टोन प्रोटीओसेस ए और बी, फिर डाइपेप्टाइड, तो आपको पता है एक तो कौन सा है, ट्रिप्सिन है, और एक काइमोट्रिप्सिन है। एबव रिएक्शन ए एंड बी क्या है, एक को दे लो ट्रिप्सिन, बिल्कुल सही, एक का दूसरा काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सिन यहाँ होता है नीचे सी, लेकिन सी लिखा हुआ नहीं है इसलिए छोड़ो, तो बोथ ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि ट्रिप्सिन भी है और काइमोट्रिप्सिन, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट, अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन दिया, कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, रिमेंबर गाइज पेनक्रियाटिक जूस इज वेल नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बिकॉज इट हैविंग ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इवन माल्टेज माल्टेज इज डेफिशिएंट दैट ऑफ दिस वन सो दैट इज हैविंग ओनली 3 प्रोटीन डाइजेस्टिव वन इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव दैट इज नोन एज एमाइलेज एंड लिपिड डाइजेस्टिव विच इज नोन एज लाइपेज एंड ऑल्सो डीएनएज आरएनएज इलास्टेज कोलाजिनेज एंड न्यूक्लियेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑल काइंड ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच वॉट पेनक्रियाटिक जूस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ओके चलिए, तो इसमें कौन सा ट्रिप्सिनोजन है काइमोट्रिप्सिनोजन है लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस ये सारे प्रेजेंट है पेप्सिनोजन नहीं होगा रॉन्ग हो गया ट्रिप्सिन होगा काइमोट्रिप्सिन होगा सलाइवरी एमाइलेज नहीं होगा हाँ सलाइवरी नहीं होता ओनली एमाइलेज होता तो कंसिडर करते हैं माल्टेज बिल्कुल नहीं होगा ट्रिप्सिन होगा काइमोट्रिप्सिन होगा एमाइलेज होगा एंड लैक्टेज नहीं होगा लैक्टेज इज प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ देखो इस तरफ है ना ये डायग्राम एनसीईआरटी वाला डायग्राम है जिसमें अलग अलग लेबलिंग कर रखी है देखो ए जो है ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला डायलेटेड ये बेसिकली गॉल ब्लैडर है क्या है गॉल ब्लैडर है और ये आपको जो आ रही है वो कौन सी हेपेटिक डक्ट है जो कहां से आ रही है लीवर से आ रही है ये हेपेटिक डक्ट है सी जो है वो सिस्टिक डक्ट है डी जो है वो आपके कॉमन बाइल डक्ट है ओके और ये पूरा ई जो है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है तो आप इसको लेबलिंग प्रॉपरली बुक लेकर इजीली कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए तो देखो आप
सबसे पहले ए क्या आ रहा है, गॉल ब्लैडर, ये सही हो गया, गॉल ब्लैडर है। बी क्या कर रहा है, डक्ट फ्रॉम द लीवर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सी क्या आ रहा है, सिस्टिक डक्ट आ रहा है। डी क्या आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट, सही आ रहा है। ई क्या आ रहा है, ई पेनक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशय नलिका बोले तो। अब इसमें देखना यहाँ पर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट दे रखा है, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक दे रखा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला देखिए आप, ए गॉल ब्लैडर सही है, सिस्टिक डक्ट ये गलत हो गया, तो बी तो क्या है, डक्ट वो है, ए गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम लीवर, सी सिस्टिक डक्ट, डी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट नहीं है, ये गलत हो गया, ए गॉल ब्लैडर, हिपेटो पेनक्रिया, ये गलत हो गया, करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो गया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज, एलिमेंट का मतलब होता है मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज, मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज कॉज करने वाले या प्रॉब्लम कॉज करने वाले। एज वी नो इन अवर एलिमेंट्री कैनाल इन पार्ट ऑफ द स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन सीकम एंड कॉलम मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एंड दे आर हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज दे सोर्स सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस, यानी खूब सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली सीकम के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, बिकॉज दे सिंथेसाइज डिफरेंट काइंड ऑफ वाइटामिन्स, वो हमसे खाना लेते हैं लेकिन हमें क्या वापस देते हैं, विटामिन, कौन से, B1, B2, B6, B12, विटामिन के, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, हमारे अंदर जो प्रोटोजोवन से उनसे मिलती है ना, और इस प्रोटोजोवन जो अपने लिए हेल्पफुल भी है और लेकिन समटाइम्स ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, अगर हार्मफुल हो गए तो डेफिनेटली अपन को डिजीज कॉज कर देंगे विदाउट एनी कॉज, ठीक है ना, तो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंटेस्टाइन में सपोज करो क्या प्रेजेंट है अपने, खूब सारे गट बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, और ये जो गट बैक्टीरियाज है बेसिकली ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेंगे, और इंटेस्टाइन को अगर इन्फेक्ट करेंगे तो इंटेस्टाइन में क्या आएगी, स्वेलिंग आएगी, और उस स्वेलिंग को अपन क्या बोलते हैं, एंटेराइटिस, क्या बोलते हैं, एंटेराइटिस। तो रिमेंबर गाइस, इसको अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, गैस्ट्रो एंटेराइटिस, बिकॉज वी नो दैट जो गैस्ट्रिक डॉक्टर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। तो यहां पर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान रखिएगा आप, एंटेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंत में सूजन आना, जिसे अपन कॉमनली कहते हैं। ओके, सो जॉन्डिस तो एक कंडीशनल कॉज होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिपेशन एक कंडीशनल होगा, और इनडाइजेशन हम खुद लीड करते हैं फुलनेस ऑफ, क्लियर, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रोटोजोन वगैरह वो कॉज कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप, आपको एक कॉलम दिया है और कॉलम के अंदर आपको मैच कराना, एक तरफ विटामिन्स दिए ए डी बी ए और एक तरफ उससे होने वाले डिसऑर्डर दिए, तो आपको इन दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले देखो विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग करना, लेकिन ये इसमें आ जाएगा बी वाला, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, छोटे बच्चे में जैसे ही बर्थ होता है इमीडिएट अपन इंजेक्शन विटामिन के लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि अगर उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फास्ट होगी तो इंटरनल हेमरेज होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। सो के वाले का हो जाएगा आपके बी करेक्ट मैचिंग, डी आप बहुत अच्छे से जानते हो, डी जो है वो अपने कोलेकोलसिफेरॉल होता है, जो विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करता है। ओके, जो सनलाइट से हमें मिलता है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए तो डेफिनेटली उनको रोग कौन सा हो जाता है, रिकेट्स, तो आप इसको डी से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है बी, बी को आपको बताइए, बी को अपन बोलते हैं विटामिन बी जो है वो अपन थायमिन कंसिडर करते हैं B1, और वो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी, तो इसका हो जाएगा आपके ए। और फिर आ गया ए जो दे रखा है वो किससे मैच कराना है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आप सबको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में उसको डिम लाइट में दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ रोडोप्सिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते उसमें, तो इसका हो जाएगा आपके कौन सा, सी। तो करेक्ट पैटर्न क्या आ गया अपने, बी डी ए सी, तो कहां पर है देखिए आप, बी डी ए सी, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, बाकी सारे गलत है, कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 127 क्वेश्चन देखिए, पेयर स्पेसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर, बहुत सिंपल सी बात है, इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता हो तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में लिखा हुआ है, मोर देन 50% ऑफ अवर इम्यूनिटी डिपेंड अपॉन द माल्ट, व्हाट इज माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो 50% से ज्यादा अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर, उसी म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर पेयर स्पेसेस, यानी कि मैं क्लियर कर दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, माल्ट आपको होता है मोर देन 50% आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, ध्यान रखिएगा।
ये माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये बेसिकली कौन सा टिश्यू है? लिम्फोइड, देखो वर्ड आ रहा है लिम्फोइड, यानी आंसर आ गया लिम्फेटिक टिश्यू है ये, कौन सा है? लिम्फेटिक टिश्यू है। और ये अपन को प्रोवाइड कराता है इम्यूनिटी, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है हमें CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती है जो हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट, अब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है टोटल चार लेयर होती है आउटर टू इनर, जैसे सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा को अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो वो भी फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड होती है। उनमें से एक लेयर होती है जिसका नाम है लेमिना प्रोप्रिया, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेयर्स पेचेस, जस्ट लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह प्रेजेंट होते हैं, और वो हमें डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो डेफिनेटली वो आपको लिम्फोइड टिश्यू है। और कौन से पूरे इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे आपको? ओनली इन ईलियम, ईलियम में प्रेजेंट होते हैं कौन? पेयर्स पेचेस। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, अब आप देखिए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इंड्यूस्ड बाय, तो आपको पता है CCK करके एक एंजाइम हार्मोन सेल होती है, कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, ये रिलीज होकर आता है और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो जाकर गॉल ब्लैडर पे अटैक करता है और उसको क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर पर डायरेक्ट एक्शन है इसका, किसका? CCK का। CCK का एक्शन पेनक्रियास पर भी है, ऐसा नहीं कि पेनक्रियास पर नहीं है, पेनक्रियास पर भी है, और यहां से रिलीज कराता है ये पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज कराता है? पेनक्रियाटिक जूस। तो ध्यान रखिएगा CCK का एक्शन नॉट ओनली ऑन गॉल ब्लैडर बट ऑल्सो पेनक्रियास। तो करेक्ट आंसर हो जाए गैस्ट्रिन का कोई एक्शन नहीं है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, सीक्रेटिन का एक्शन नहीं है, एंटेरोगैस्ट्रोजन का। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 129, द फूड मिक्सेस थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक, बिल्कुल सही बात है भाई, स्टोमक में खाना आ गया है, ये लो ये आ गया स्टोमक, ये आ गई इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूओडेनम, ये इसोफेगस, यहां पर आ गए आपके फूड आते हैं यहां पर, आपको पता है फूड तो आएगा नहीं, यहां पर कौन आएगा? बोलस, करेक्ट। इस बोलस का डाइजेशन होगा और बोलस का डाइजेशन करके बस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा काइम, यानी कि फूड आपने इंटेक किया, बक्कल कैविटी में बोलस बना और बोलस आ गया स्टोमक में, वहां आके कन्वर्ट हो गया किसमें? ये कन्वर्ट हो गया बोलस में, और बोलस किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पर डाइजेशन होगा स्टोमक में, तो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कह रहा है ये मिक्स हो गया जूस ऑफ द स्टोमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है पेरिस्टाल्सिस, और आपको पता ही है जो स्टोमक है उसमें ऑब्लिक मसल होती है, तो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस जो अपनी बॉडी की होती है डाइजेस्टिव ट्रैक में, वो स्टोमक में होती है, और सबसे कम जो होती है वो होती है रेक्टम, यानी कि वेरी लीस्ट इन रेक्टम। अब ये कह रहा है मूवमेंट इट्स मस्कुलर वॉल इट ऑफन कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे? तो देखो इसके अंदर काइम आ गया, और यहाँ की पीएच कितनी आपको पता है? 1-3 पीएच होती है, यानी ये कौन सा काइम हो गया? एसिडिक काइम हो गया। अगर पीएच 1-3 है तो एसिडिक काइम हो गया। तो देख लीजिए आप कौन आया इसके अंदर, देखिए आप यहाँ पर द फूड मिक्स ओनली विद एसिडिक रूस्ट, क्या बन गया? काइम बन गया। तो क्या बन जाएगा? काइम। नेक्स्ट, अगला देखिए, सक्कस एंटेरिकस इज नेम गिवन टू, सक्कस एंटेरिकस बहुत क्लियर सी बात है, सक्कस एंटेरिकस अपन बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, इंटेस्टाइनल जूस इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। और सक्कस एंटेरिकस में आपको पता है खूब सारे एंजाइम होते हैं, जैसे डाइपेप्टाइडेज हुआ, माल्टेज हुआ, सुक्रेज हुआ, है ना, लैक्टेज हुआ एंड लाइपेसेज हुआ, ओके, ये सारे के सारे आपके इसके, न्यूक्लियोसाइडेज हुआ, न्यूक्लियोटाइडेज हुआ, ये सारे एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है? सक्कस एंटेरिकस, विच इज कॉमनली नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द फूड दैट एंटर इनटू इंटेस्टाइन, यानी कि ये स्टोमक है, स्टोमक से फूड किस में आ रहा है? इंटेस्टाइन में आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम स्टोमक इज, तो यहां से यहां आ रहा है तो वो तो आपको पता ही है, अंदर क्या बन गया? इसके अंदर काइम बन गया, बोलस का क्या बन गया? काइम। और यहां पर नेचर कैसा है? एसिडिक। तो इसमें जो आ रहा है फूड वो कैसा आ रहा है? एसिडिक, एसिडिक काइम आ रहा है, ये लो। तो इसमें देखो एल्केलाइन, एल्केलाइन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल्केलाइन तो बेसिक पीएच और स्टोमक की पीएच एसिडिक होती है, रॉन्ग हो गया। बेसिक काइम भी नहीं हो सकता, ये बेसिक क्यों चाहे एल्केलाइन क्यों, बात तो एक ही है ना। ठीक है, एसिडिक काइम ये करेक्ट है, एसिडिक काइम है। बोलस, बोलस तो बक्कल कैविटी के अंदर बना है जो स्टोमक के अंदर आया बाद में, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉजेज इनडाइजेशन, इनडाइजेशन यानी कि खाना खाने के बाद में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना, उसे बोलते हैं अपन इनडाइजेशन, यानी खाना खाने के बाद भी जब टाइम हो जाएगा वापस खाना खाने का तो भी आपको
एब्डोमेन भरा हुआ यानी पेट भरा सा रहेगा, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन की फीलिंग्स आएगी। तो ऐसे क्या कॉज हो सकते हैं उसके पीछे, उसको बेसिकली फाइव जो इसके मेन कॉज होते हैं, एक तो कौन सा, इनएडुकेट एंजाइम सिक्रेशन, यानी कि आपकी बॉडी में जितना डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम है उतने रिलीज नहीं हो पा रहे तो आपको दिक्कत हो सकती है उसको डाइजेस्ट करने में। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन सा कॉज है बताइए आपको, और स्पाइसी फूड जैसे फास्ट फूड, जंक फूड जो अपन यूज करते हैं वो भी डाइजेशन को डिक्रीज करते हैं, यानी एंजाइम को रिलीज होने से प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी इनडाइजेशन कॉज करेगा। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन या वरिड, एग्जाम की टेंशन रहती है नो डाउट, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सीक्रेशन कम हो जाता है। या आपने बहुत खाना, आपको बहुत लिमिटेड खाना चाहिए लेकिन आपने ओवर ईटिंग कर ली, दो रोटी की जगह चार चपाती आपने खाई है, तो डेफिनेटली वो ओवर ईटिंग भी कॉज करेगा। नहीं, ये सारे जो कॉजेज हैं वो इनडाइजेशन कॉज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग का मतलब होता है दूध से दही बनना, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन ऑकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कर्डिंग ऑफ मिल्क पूछा है लेकिन यहां पर कहीं पर भी चाइल्ड या इन्फेंट या इनिशियल स्टेप ऐसा वर्ड यूज नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यही मानना है ये एडल्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एडल्ट के रेस्पेक्ट में आप जानते हो एडल्ट में रेनिन अब्सेंट होता है, तो आप रेनिन को तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर यहां पर क्या होता, इन्फेंट होता या चाइल्ड होता या इनिशियल डाइजेशन होता तो आप कंसिडर कर सकते थे रेनिन को, ये सिली मिस्टेक हो सकती है आपसे। इरेप्सिन का या कोई लेना देना नहीं है, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिन आपको पता है कोई लेना देना नहीं है ट्रिप्सिन का। काइमोट्रिप्सिन जो है वो आपके एडल्ट के अंदर कर्डिंग करता है, यानी कि दूध से क्या बनाता है, दही बनाता है, कौन, काइमोट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर आपके एडल्ट के अकॉर्डिंग होगा, दैट विल बी 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, पहले ही बता रखा मैंने आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो डिजीज कंसिडर होती है, कौन सी, क्वासियोरकोर एंड मेरास्मस, ये दोनों कंसिडर होती है। तो देख लो आप, क्वासियोरकोर पहले ही करेक्ट हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, गलत हो गया, एक्जिमा स्किन की डिजीज है कोई लेना, सिरोसिस एल्कोहल की वजह से होता है, एथेनॉल C2H5OH, तो कोई लिंक ही नहीं कर रहा है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, ध्यान रखिएगा डाइजेशन कंप्लीटेड पूछ रहा है, यहां पर ऐसा वर्ड नहीं कहा है कि मोस्ट ऑफ डाइजेशन, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि ड्यूओडेनम में मोस्ट ऑफ डाइजेशन होता है, ध्यान रखना मोस्ट ऑफ डाइजेशन होता है कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट जो होता है वो होता है ईलियम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर कंप्लीट विटामिन B12, वाटर, इन सब का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में आप जानते हो कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन या सिग्निफिकेंट कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मतलब कंप्लीट में नहीं, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जो होगा वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा अदर के रेस्पेक्ट में, अदरवाइज मैक्सिमम जो वाटर का होल ओवर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ईलियम में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा ईलियम, स्टोमक क्लोका तो ही नहीं था, ये तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर होगा सेकेंड। ओके गाइस, सो वी सॉल्व द कंप्लीट जूलॉजी पोर्शन ऑफ माइनर फर्स्ट, तो फर्स्ट माइनर हो गया, अच्छे से आप इस एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हम आपको बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल करा रहे हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय, जय सी एल सी।